जिंदगी। कबीर के बारे में आप जितना भी जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज कुछ खास जो शायद आप में से कुछ लोग न जानते हो। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। लोई पत्नी ऐसी थी कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि पत्नी का स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। भरे उजाले में, भरे दिन में अगर कबीर कहते थे कि लोई दीपक लेकर आओ, दीपक जलाकर लाओ, लोई प्रश्न नहीं पूछती थी कि इस उजाले में क्या करेंगे, आपका बिना बस नाना। पति के वचन लोई ऐसे ले लेती थी जैसे साक्षात ईश्वर ने कुछ कहा हो। हम और आप केवल कहते हैं कि पति परमेश्वर, पर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको पूरी तरह मानते हैं। लोई ऐसे ही थी। एक बार कबीर, जो कि मस्त आनंदित प्रसन्न व्यक्ति, घर में कुछ ना था, साधारण सी झोपड़ी में गुजर बसर होती थी, कभी अन्न का दाना होता था, कभी वो भी ना होता था, पर कबीर का घर हमेशा खुला रहता था। आ गए कुछ कबीर के पास मित्र, कह लीजिए जो भी समझ लीजिए, कबीर के वचन सुनने के लिए लालायित रहते थे लोग। बस ऐसे ही चार पांच लोग आ गए। हल्का झुकमुका हो रहा था, खाने का समय था। कबीर ने आवाज दी, लोई ये देखो चार पांच मेहमान आए हैं, खाने की व्यवस्था करो। लोई ने कहा, जी मैं लाती। बस करीब घंटा सवा घंटा लग गया और लोई ने खाना परोस के तैयार कर दिया। सब मेहमानों के आगे मेहमानों ने बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से भोजन खाया, बहुत तारीफ की, बड़ा स्वादिष्ट है। कबीर भी बहुत खुश हुए, मेहमानों को रुखसत किया, वापस आए। जब वापस आए तो कबीर ने सोचा कि आज ही तो लोई कह रही थी कि घर में अन्न का दाना नहीं है और मैं कोई व्यवस्था कर ना पाया, तो कैसे इसने इतने सबका खाना परोसा। कबीर मुस्कुराते हुए लोई से बोले, लोई जरा बताओ तो सही, ये चमत्कार कैसे? आज ही तो तुमने कहा था कि स्वामी घर में अन्न का दाना नहीं है, फिर ये कैसे? लोई सकुचाते हुए नजरें झुकाकर कबीर से बोली, मैं क्या करती मेरे मालिक, वास्तव में घर में अन्न का दाना नहीं था, पर आपने कहा था, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैं बगल में गई, दरवाजा खटखटाया, कुछ मांगा कि कुछ दे दिया जाए, पर मना कर दिया। दूसरे दरवाजे को भी खटखटाया, वहां से भी कुछ ना मिला। तीसरे दरवाजे पे भी खटखटाया और निराशा हाथ लगी। और फिर वो साहूकार जो उधर किनारे पे रहता है, मैं वहां गई थी। साहूकार ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया और जब मैंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, घर में मेहमान आए हुए हैं और मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि उन्हें खाना खिलाना है, तो आपसे विनती है कि मुझे कुछ दे दीजिए। साहूकार ने कहा, बिल्कुल मैं जरूर दूंगा, बस एक शर्त,
और वो शर्त मेरे मालिक, वो शर्त मैं आपको कैसे बताऊं। कभी ने कहा बोलो लोई, बोलो। लोई ने बहुत सकुचाते हुए, बहुत घबराते हुए कहा कि साहूकार ने मुझसे कहा था ये ले जाओ, पर रात के ठीक 12 बजे मेरे पास आ जाओ। मैं ले आई, खाना बना के परोस दिया और ऐसे आपकी कही हुई वाणी को मैंने एक रूप दिया। कबीर ने कहा कोई बात नहीं, अभी देखो तो समय क्या हुआ है, क्या बचता है। लोई ने कहा मेरे अंदाज से सितारों को देखकर ही समय का अंदाजा लगा लिया जाता था। लोई ने कहा तकरीबन 12 बजते ही होंगे। कबीर ने कहा चलो, तुमने वचन दिया है, तुम्हारा वचन खाली नहीं जाएगा। कबीर ने लोई का हाथ पकड़ा और साहूकार के दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, साहूकार ने देखा कबीर खड़े हैं लोई के साथ। साहूकार को लगा कि जरूर कबीर, जो कि आज तक जिनको कभी लड़ते झगड़ते देखा ही नहीं, एक संत और साधु के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में जिनको जाना जाता है, पर आज तो जरूर ये लड़ने ही आए। साहूकार ने कहा हाँ बोलो कबीर। कबीर ने कहा कुछ नहीं मेरे मालिक, लोई ने आपसे वादा किया था, आपने लोई को कहा था कि जो भोजन आपने भोजन की सामग्री दी है उसके बदले में लोई को आपके पास रात के 12 बजे आना होगा। मैं लोई को लेकर आया हूं। साहूकार ने जब कबीर को देखा वो इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि महानता की चरम सीमा छू ली कबीर ने। साहूकार गिर गया कबीर के चरणों में कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये मैं क्या कह बैठा, ये मैं क्या कर बैठा, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। पर जानते हैं कबीर ने क्या किया, उसको बहुत प्यार से उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसने कहा मेरे प्यारे साहूकार, तुमने आज मेरी लाज रखी, मेरे मेहमानों के आगे मेरी लोई ने उनको जो खाना परोसा उनको खिलाने में तुम्हारा ही तो हाथ था, तुमने मेरी लाज रखी है, तो मैं तो तुम्हें केवल केवल दिल से दुआएं ही दे सकता हूं और कुछ भी नहीं। क्या समझे हम और आप, दुआएं देने के लिए क्या कोई समय तलाशना पड़ेगा, क्या मौका तलाशना पड़ेगा, क्या ये देखना पड़ेगा कि ये दुश्मन है या दोस्त? देखना पड़ेगा नहीं। हमारे और आपके अंदर से दुआएं हर पल हर क्षण हर किसी के लिए निकलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। आज बहुत कुछ सीखा है मैंने भी और आपने भी, बस अब उसे अपनाना है अपनी इस जिंदगी में। नमस्ते।